महानगर स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह द्वारा विद्यालय में शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन लाइव किया जा रहा है, जिससे छात्र घर बैठे ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि ओम प्रकाश सिंह का 1985 में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी। लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने में लगे ओम प्रकाश सिंह को विद्यालय प्रबंधन ने 2016 में कॉलेज के प्रधानाचार्य बना दिया। उसके बाद से ओम प्रकाश सिंह द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह है कि इस समय स्कूल में करीब 6,500 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह के प्रयासों की सराहना कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मनकेश्वर पांडे ने भी किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह और प्रबंधक मनकेश्वर पांडे ने कहा, इट मीन्स इन क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 × 10⁻²⁻ मोल पर एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 2 × 10⁻²। फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ बियर गोइंग टू चेंज सच टाइप ऑफ नरेशन व्हेन वी स्पीक whether the matter it is changing in inquired of our question, but you have to only know it's only one rule that we will change said or said to of RB in R, and according to the sense of reported speech we will change it in ask. When reported speech in whether direct interrogative or indirect interrogative. जैसा अध्ययन कर रहे थे तो मैंने मुख्य पात्र आपको बता रहा हूं, जो मनु श्रद्धा मानव या इड़ा, ठीक है, इड़ा नाम की एक स्त्री रहती है जो बाद में मनु से मिलती है और मनु से प्रेम करती है, ठीक है। इस पाठ को शुरू करने से पहले जैसे हम लोग अभी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसके पूरे कहानी को मतलब कामायनी का सारांश क्या है, मैं ओम प्रकाश सिंह, संप्रति कार्यवाहक प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर। सन 1985 में इस संस्था में सहायक अध्यापक के रूप में देवरिया से आया। यहाँ नियुक्त होने से पूर्व मैं शिशु मंदिर पैटर्न के एक विद्यालय में धोती कुर्ता पहनकर अध्यापन कार्य कर रहा था। यहाँ नियुक्त होने के बाद मैं इस संस्था के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता रहा। प्रारंभ से ही हमारे अंदर साहित्यिक अभिरुचि थी और ये जो पाठ्येतर कार्यक्रम होते हैं उनके प्रति विशेष रुझान था। क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर पैटर्न वाले विद्यालय से मैं आया था तो वे सारे गुण मेरे अंदर थे, जैसे मंच पर एंकरिंग करना, बच्चों को नैतिक शिक्षा का क्लास लेना। प्रारंभ में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे नैतिक शिक्षा पढ़ाने के लिए ही पूरे वर्ष भर दिया गया उस तत्कालीन प्रधानाचार्य स्वर्गीय केवीलाल श्रीवास्तव जी, एक अति समर्पित प्रधानाचार्य थे। 1993 में मेरा प्रमोशन हो गया, मैं लेक्चरर हो गया। सन 2002 में हमारे नए प्रबंधक माननीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने मेरे अंदर जो मेरी कार्यशैली थी उसको उन्होंने पहचान लिया और फिर उनके निर्देशन में मैं कार्य करता रहा। विद्यालय में साहित्य परिषद का गठन किया,
विज्ञान परिषद का भी गठन हुआ और इन दोनों परिषदों के अंतर्गत नित्य नए कार्यक्रम आयोजित होते रहे। मैंने देखा कि इस विद्यालय में छात्रों के लिए टॉयलेट्स की कमी है। मैंने निवेदन किया प्रबंध तंत्र से। यहाँ प्रबंध तंत्र की उदारता की मैं प्रशंसा करता हूँ कि मेरे निवेदन को सुना गया और उसका प्रतिफल ये रहा कि संप्रति कॉलेज में छात्रों के लिए 16 टॉयलेट्स हैं। क्रमशः सेक्शंस भी बढ़ते गए, कमरों की कमी महसूस होने लगी विद्यालय को। प्रबंध तंत्र ने मुझे अनुमति दिया और हमने 10 कमरों का निर्माण करवाया। इस समय विद्यालय में 2 फिजिक्स लैब, 2 केमिस्ट्री लैब और 1 बायो लैब है। वर्ष में लगभग 10 से 12 पाठ्येतर कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें ललित कला महोत्सव जो होता है वो मंडल स्तर का होता है। उसमें 12 प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं हर वर्ष, जैसे डिबेट, क्विज, ड्राइंग, क्ले आर्ट, ये अपशिष्ट से नव निर्माण, अंताक्षरी प्रतियोगिता, राइटिंग कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता, मंच रंगमंचीय कार्यक्रम जिसमें संगीत, एकल गायन, काव्य पाठ हर साल आयोजित होते हैं। मात्र पिछले सत्र इसका आयोजन नहीं हो पाया, कारण था कोरोना संक्रमण। ये कोरोना संक्रमण ने बहुत प्रभावित किया पूरे विश्व को, फिर भी हमने कोरोना संक्रमण को एक चैलेंज के रूप में लिया। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि गत वर्ष विद्यालय प्रबंधन की उदारता के फलस्वरूप लगभग 40,000 लोगों के बीच विद्यालय से 1 महीना तक भोजन का आवंटन हुआ, जिसमें प्रतिदिन 200 पैकेट्स सड़क पर जो गायें हैं या जो पशु अन्य पशु हैं उनके लिए हम लोग भेजते रहे। पूरे वर्ष भर, मैं सत्र 2020-21 की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ष भर इस कॉलेज में व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाई जारी रही है। इधर विगत 1 माह से हम लाइव क्लासेस चलवा रहे हैं, टीचर्स कक्षाओं में आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, और टीचर्स कक्षाओं में आकर व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा होकर के अपना क्लास लेते हैं। बच्चे अपने घर से उन क्लासेस को अटेंड करते हैं। संप्रति कॉलेज में लगभग 100+ CC कैमराज हैं, 60 ऑडियो सिस्टम है। ऑडियो सिस्टम इसलिए है ताकि हम मॉर्निंग असेंबली, चूँकि संख्या बहुत अधिक है, लगभग 6,500, हम बाहर प्रेयर नहीं करा सकते हैं, छात्र क्लासेस में ही खड़ा होकर के प्रेयर करते हैं। प्रोजेक्टर की संख्या लगभग 12 है। स्मार्ट क्लासेस भी, जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, उनकी संख्या मैं समझता हूँ कि 10-11 है। यह विद्यालय समस्त भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। कहीं न कहीं यह विद्यालय के प्रबंध तंत्र, हमारे शिक्षक बंधु और आप यह भी कह सकते हैं कि मेरा खुद का सहयोग है कि यह विद्यालय निर्बाध गति से क्रमशः ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। 2016 में डॉक्टर राधेश्याम सिंह के रिटायरमेंट के बाद मुझे यहाँ सीनियर लेक्चरर होने के नाते कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार मिला। उस समय संख्या जो थी, उस समय की संख्या से लगभग 2000 अधिक संख्या इस समय की है। कोरोना संक्रमण ने बहुत सारे विद्यालयों को प्रभावित किया एडमिशन के मामले में, लेकिन हमारे विद्यालय में संख्या बढ़ी। इस समय हम जो प्रवेश है छात्रों का वो लगभग समापन की तरफ है। हमारे बच्चे हर साल
बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पाते हैं। रिजल्ट कभी भी 92% से कभी नीचे नहीं रहता है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो। वर्तमान सत्र में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ने MGIC नामक ऐप बनवाया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से छात्र डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लास करते हैं। इसकी खास बात यह है कि छात्र या अध्यापक को मोबाइल का डेटा या स्टोरेज नहीं उपयोग होता है। साथ ही यदि छात्र कक्षा के समय नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अगर वो लाइव क्लास में को अटेंड नहीं कर पाया, तो बाद में भी वो अपने ID से पढ़ाए गए विषय को देख सकता है, पढ़ सकता है या उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकता है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के हमारे वर्तमान प्राचार्य OP सिंह साहब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2016 से जब से विद्यालय में इन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में कार्य संभाला, विद्यालय निरंतर जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार विकास कर रहा है। इसी में पिछले वर्ष हम लोग कोरोना से प्रभावित हुए, उस समय भी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पूरे मंडल में सबसे आगे बढ़कर उसने उन सारी सुविधाओं को अपने प्रधानाचार्य OP सिंह के नेतृत्व में तैयारी की, जिसके माध्यम से हम बच्चों तक ऑनलाइन पहुंच सके। और उसी क्रम में इस वर्ष हम लोगों ने एक एजेंसी को भी हायर किया और प्रिंसिपल साहब की देखरेख में वह एजेंसी ने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें कि बच्चे बिल्कुल क्लास की तरह अनुभव कर रहे हैं और उनका क्लास उसी रेगुलर टाइम टेबल पर चलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं अपने प्रधानाचार्य OP सिंह जी के लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में है, जो नई शिक्षा नीति देश में बन के आई है उसके बारे में, उन सारी चीज़ों को अपने विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा में लागू करने का वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और यहीं तक नहीं, उनके इस प्रयास से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्रों का सर्वांगीण विकास, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके अंदर पूरी रचनात्मक क्षमता, साहित्यिक क्षमता का भी विकास हमारे छात्रों में उनके नेतृत्व में हो रहा। मैं इसके लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य OP सिंह के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से, अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तन्मयता के साथ विद्यालय की सेवा की है उससे हमारा विद्यालय जो लगभग 116 वर्ष पुराना है वो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आज की हमारी छात्र संख्या 6000 के आसपास है, जो कि अपने आप में इस बात का परिचायक है कि हमारे प्रधानाचार्य ने किस गुरुत्तर दायित्व के साथ, गंभीरता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है।